हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएनएल सॉल्यूशन। हमने देखना स्टार्ट किया है आपके एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का सेकंड और थर्ड लाइन। जो जो सेकंड लाइन है और थर्ड लाइन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमारे फर्स्ट लाइन। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो फर्स्ट लाइन है वो ज्यादा इफेक्टिव और कम साइड इफेक्ट वाले ड्रग होते हैं, जबकि सेकंड और थर्ड लाइन वाले जो हमारे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है या तो वो एफिकेसी में फर्स्ट लाइन की तुलना में कम होंगे या साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट अनवांटेड इफेक्ट में ज्यादा होंगे, या तो दोनों की तुलना में अगर करें तो दोनों में हमारे लिए उतने एडवांटेज नहीं होंगे। इनको हम केवल तभी यूज करते हैं जब हमारे फर्स्ट लाइन ड्रग उतने इफेक्टिव नहीं रह जाते, या इनको जो मल्टीपल ड्रग थेरेपी के हिसाब से जो ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस होती है, उनके केस में रेजिस्टेंस से ओवरकम करने के लिए या रेजिस्टेंस के डेवलपमेंट को डिले करने के लिए हम सेकंड या थर्ड लाइन को यूज करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी सेकंड लाइन ड्रग का एक और इंपॉर्टेंट ड्रग जिसका नाम है पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट में PAS के नाम से भी जानते हैं। PAS के बारे में कुछ जरूरी जानकारियां हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हमने छांट करके इस व्हाइट बोर्ड में जगह दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके इंट्रोडक्शन की, इनके यूज की शुरुआत की। तो जो हमारा पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड है वो 1946 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इनको जो एक एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई किया गया था, तो ये एक एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली सल्फोनामाइड से रिलेट या कोरिलेट करते थे। तो उनकी एक्टिविटी भी सल्फोनामाइड जैसे ही होगी, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सल्फोनामाइड के जैसा ही होगा। हाँ, इनके साथ वो कुछ और भी मैकेनिज्म को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक जो हाइलाइटेड इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, काम करने का तरीका है, वो आपके इसी सल्फोनामाइड के आसपास घूमता है। सो देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज इनहिबिट द फोलिक एसिड सिंथेसिस बाय अफेक्टिंग द फोलेट सिंथेस। ये जो फोलेट सिंथेस है ये एक प्रकार का एंजाइम है जो फोलिक एसिड के सिंथेसिस में मदद करता है कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने में। तो जब हम इस फोलिक एसिड के सिंथेसिस को नहीं होने देना चाहते हैं तो हमको उस एंजाइम को अफेक्ट करना पड़ेगा, इनहिबिट करना पड़ेगा, जिसकी मदद से अल्टीमेटली फोलिक एसिड बनता है हमारे पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड यानी कि पाबा से। तो ये एक प्रकार से कह लीजिए की पॉइंट हुआ जिसकी मदद से कन्वर्ट हुआ, उसी को हमने इनहिबिट कर दिया तो जो बनने वाला फाइनल प्रोडक्ट था फोलिक एसिड वो रुक जाएगा। सो देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज इनहिबिशन ऑफ द फोलेट सिंथेसिस नॉट इफेक्टिव फॉर अदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि हमारे जो पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड है PAS है, ये केवल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में स्पेसिफिकली जो वर्ड यूज करना चाहिए सेलेक्टिवली आपके इसी फोलिक एसिड के सिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। ये दूसरे तरह के बैक्टीरिया के फोलिक एसिड के सिंथेसिस को उतना अफेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी जो एफिनिटी है टुवर्ड्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के ही है। इस कैटेगरी के अलग जो ड्रग मैंने आपको बताया जो सल्फोनामाइड है वो दूसरे तरह के बैक्टीरिया को ठीक करने में यूज होगा, लेकिन पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड जो कि एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, हालांकि इसका मैकेनिज्म भले ही मैच करता है बट इफेक्टिव की बात करें तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के साथ ज्यादा एफिनिटी शो करता है एज कंपेयर टू अदर काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसी को हम लिखा हुआ है सेलेक्टिवली फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ड्यू टू इट्स हाई एफिनिटी फॉर ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया फॉर देयर सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड बाय अफेक्टिंग फोलेट सिंथेस। तो ये एक प्रकार से स्पेसिफिसिटी को डिनोट करना चाह रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं तो पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड इज ट्यूबरकुलोस्टैटिक। अब ये उसके काम करने के तरीके यानी कि उसके स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब आप जानते हैं कि ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को पूरी तरह से कंप्लीटली किल नहीं कर पाएगा, ये केवल बैक्टीरिया के ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे, लिमिट करेंगे, ये इनकी काम करने का तरीका हुआ। बट अगर मैं इनकी एक्टिविटी, इनकी प्रायोरिटी, इनकी सिलेक्टिविटी के लिए बात करूं तो ये उतने इफेक्टिव नहीं है। दीज आर वन ऑफ दो kind of drug which are least effective for the treatment of mycobacterium tuberculosis or you can say treatment of tuberculosis problem. So ye utne effective nahi hai. To fir kyun hum inko use karte hain? Inko use karne ke piche ka simple sa logic yahi hai ki ye jo drug hai wo resistance ke develop hone ko delay karte hain. Just they delay the resistance. Matlab kya hua? अगर हम कोई भी ड्रग को, आपने देखा है अब तक आइसोनियाजाइड को अगर हम सिंगल ड्रग के रूप में दें, अगर हम रिफाम्पिन को सिंगल ड्रग के रूप में दें, अगर हम इथेम्ब्यूटोल को सिंगल ड्रग के रूप में दें, इनमें से कोई भी ड्रग अगर आप सिंगल देते हैं एज अ मेन ओरल थेरेपी तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, उसके आगे इसमें बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं। लेकिन जो अलग अलग तरह की ट्रिपल डोज रेजिमेन है या कुछ और रेजिमेन होंगे आगे क्लास में हम देखेंगे, इनके साथ अगर हम इस तरह के पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड PAS को इंक्लूड करते हैं तो ये जो ड्रग है वो रेजिस्टेंस के डेवलप होने के जो चांसेस हैं इनको थोड़ा डिले करते हैं, तो रेजिस्टेंस थोड़ा देर से डेवलप होगा अगर मैं इनको इंक्लूड करता हूं MD
आर के साथ, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस वाले ट्यूबरकुलोसिस के साथ। आगे देखिए इनका जो काम करने का तरीका है, चूंकि इन्होंने बोला कि सल्फोनामाइड से रिसेंबल करते हैं, तो हम सल्फोनामाइड की एक्टिविटी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक एनिमेशन भी ऐड करूंगा जिसमें आप देखेंगे कि सल्फोनामाइड काम कैसे करता है। वो सल्फोनामाइड के लिए ही है, लेकिन स्पेसिफिकली नॉन ट्यूबरकुलर ड्रग के लिए उसके काम करने के तरीके को हम देखेंगे। तो यह है हमारा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड स्टार्टिंग मटेरियल प्रीकर्सर। यह पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड एक एंजाइम है डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज, इसके प्रेजेंस में डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड आगे जाकर के टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं और फिर ये जाकर के अमाइनो एसिड प्रोटीन और थायमिडीन में बनते हैं, जो कि सेल के ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर मैं इस ड्रग का माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के करेस्पॉन्डिंग में बात करता हूं, तो अगर हम इनके फोलिक एसिड के बनने को रोक देंगे बाय अफेक्टिंग द फोलेट सिंथेटेज, तो ये इनके जो न्यूक्लिक एसिड बनने के चांसेस हैं इनको वो अफेक्ट कर देंगे, बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बैक्टीरिया के लिए जरूरी है वो न्यूक्लिक एसिड वगैरह। तो यहां पे हमने समझा कि हमारे सेकेंड लाइन के ड्रग PAS काम कैसे करते हैं। अगर मैं बात करूं इनके और कुछ एक्सपेक्टेड जानकारी की, सो पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड आर एब्जॉर्ब कंप्लीटली बाय ओरल रूट, यानी कि इनका काइनेटिक कहता है कि ये ओरली एब्जॉर्ब हो सकते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं एवरीवेयर, केवल एक जगह ऐसा है जहां पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, वो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो दिस आर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली एक्सेप्ट दिस CSF, ये आप शायद याद रखें तो अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए इनका एलिमिनेशन है, जब कोई भी ड्रग हम लेते हैं तो ये ड्रग हमारी बॉडी में जाता है और बॉडी इस ड्रग के करस्पॉन्डिंगली ADME का रिस्पांस करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो आपने देखा थ्रू आउट द ओरल रूट ये एब्जॉर्ब होगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा सब जगह, केवल CSF को छोड़ करके। मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनकी हाईली आपके लीवर में होगी, फिर बात आती है इनके बॉडी से बाहर निकल जाने की, यानी कि एलिमिनेशन की। तो मैक्सिमम जो इस ड्रग का ड्रग है PAS का एलिमिनेशन होगा हमारे यूरिन के थ्रू। यूरिन में दो प्रोसेस होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के, मेनली जिसके थ्रू ड्रग एलिमिनेट होगा वो है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो इन दोनों के माध्यम से, इन दोनों के वे के थ्रू होता हुआ हमारा PAS गेट एलिमिनेट हो जाएगा आपकी बॉडी से। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पेशेंट की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी लो है, या इसका यूं मतलब हो सकता है कि जो पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड है इनके अलग अलग तरह के अनवांटेड इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, साइड इफेक्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए एक बार शॉर्ट में हम देख भी लें कि इनके कौन कौन से ऐसे इफेक्ट हैं जो कि एसोसिएटेड है इस तरह के ड्रग से। सबसे पहला है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख की कमी, आपने इसके बारे में देखा है, एपेटाइट सप्रेसेंट भी देखा और आपने एपेटाइट स्टिमुलेंट भी देखा। सो एनोरेक्सिक ड्रग मतलब वही ड्रग है जो कि भूख को कम करने में मदद करते हैं, भूख को कम करते हैं। उसके बाद है नौजिया वोमिटिंग, तो बहुत सिंपल सा है। उसके बाद है एपिगैस्ट्रिक पेन, जो आपकी एपिगैस्ट्रिक पार्ट होगा उनमें पेन जनरेट होगा, माइल्ड टू मॉडरेट पेन हो सकता है। इसके बाद देखिए रैशेस, थोड़े बहुत आपके शरीर के हिस्से पे रैशेस देखने को मिल सकते हैं, फीवर हो सकता है, हाइपोकैलेमिया हो सकता है। साथ में अगर हम बात करते हैं गोइटर की, तो आपने पिछले सेमेस्टर में देखा भी है हाइपोकैलेमिया को भी और गोइटर को भी केस में देखा है, नौजिया वोमिटिंग के साथ साथ, सॉरी गोइटर के साथ साथ लीवर डिसफंक्शन हो सकता है। क्योंकि इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म लीवर में ज्यादा हो रहा है, इसलिए ये कुछ हद तक आपके माइक्रोसोमल एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करके इसको कॉज करा सकता है लीवर के कंडीशंस को। इसके साथ साथ अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसे ड्रग और को ले रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके लीवर के फंक्शन को डैमेज करते हैं, चाहे वो NSAID हो, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग तो है ही है, इसके अलावा कोई और भी अल्कोहलिक कंडीशंस हो, तो वो साथ में मिलकर के और कंडीशंस को खराब कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट जानकारी की, दैट इज अ नोट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड यूज ओनली इन रेजिस्टेंस टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि इनका जो यूज है वो ऐसे ही ट्यूबरकुलोसिस के ठीक करने में होना चाहिए जो कि, या जिस तरह का ट्यूबरकुलोसिस अदर टाइप ऑफ के ड्रग के मल्टीपल ड्रग के लिए रेजिस्टेंस हो चुका हो, तो ऐसे केस में हम पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड को यूज कर सकते हैं विद अ कॉम्बिनेशन विद अदर फर्स्ट लाइन ड्रग। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तो हाइपोथायरॉयडिज्म ये इनका मेन एडवर्स इफेक्ट है, तो इसको आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछता है, जो कि जिसका स्पेसिफिक इफेक्ट होता है वो क्वेश्चन में ज्यादा आने की संभावना होती है। सो उसके बाद हम बात करते हैं GIT इरिटेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय फूड एंड एंटासिड। अगर इनको आप ओरल रूट से देते हैं तो आपको GIT में इरिटेशन कॉज कर सकता है, तो इस तरह के इरिटेशन को मास्क करने के लिए हम इस ड्रग के साथ एंटासिड या फूड को भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दिस वाज अ सिंपल बेसिक
पॉइंट टू पॉइंट जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। आज के रेफरेंस के बारे में बात करें तो हमने इसके लिए यूज किया है सतोषकर, पद्मजा उदय कुमार, के डी त्रिपाठी और पी जगदीप प्रसाद की बुक को। सभी में ज्यादा मटेरियल इंपॉर्टेंट अवेलेबल नहीं है, तो कुछ कुछ जहां जहां से जो जो पॉइंट आपके लिए जानना जरूरी था उनको हमने कलेक्ट किया। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।